हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2540 का प्लॉट, जो कि 111 गज का है। 1000 स्क्वायर फीट एरिया है इसका, जो कि 2 BHK है। फ्रेंड्स, ये हमारी मेन एंट्री है, 9 फीट वाइड की मेन एंट्री है। और ये हमारी जो जगह है जीने की, वो 19.5 फीट के करीब है यहाँ से यहाँ तक। और ये है यहाँ से 3 फीट का ये जीना हुआ, और ये 3.5 फीट का इधर से दिया हमने, और 3.5 फीट इधर से। और जो कार पार्किंग है हमारी जीने के नीचे, वो 9 फीट बाई 16.5 की है। और ये हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम की एंट्री यहाँ से है। ड्राइंग रूम का साइज़ है 9 फीट 9 इंच बाई 12 फीट का ड्राइंग रूम है। ये सोफ़ा डला हुआ है और ये टीवी लगी हुई है। ड्राइंग रूम से ही अंदर हमारा ये टॉयलेट है, क्योंकि टॉयलेट भी काफ़ी बड़ा है, 4x12 का है। और इसका वेंटिलेशन इधर है, और ड्राइंग रूम का भी वेंटिलेशन इधर है। ये ओपन है, हमारी आर्च बनी हुई है। लॉबी से भी हमारा टॉयलेट का गेट है इसमें, और ये हमारा मेन गेट है लॉबी घर के लिए। ये लॉबी के लिए एंटर करेंगे यहाँ से। ये डाइनिंग टेबल डली हुई है। लॉबी का एरिया 14 फीट 1 इंच बाई 9 फीट 10 इंच। और ये फ्रेंड्स, ये हमारी किचन है। किचन का साइज़ है 8 फीट 9 इंच बाई 7 फीट। ये हमारी गैस लगी हुई है, ये सिंक लगी हुई है। और किचन का वेंटिलेशन हमने जीने में कर रखा है। यहाँ से ये हमारा गेट है, ये वाला बेडरूम है। ये बेडरूम है 12x12 का। ये टीवी लगा हुआ है, ये बेड डला हुआ है, और ये वार्डरोब बनी हुई है। और ये यहाँ हमने कट दे रखा है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। ये डोर विंडो है, अटैच है डोर विंडो के साथ। और ये हमारी विंडो है, और ये पीछे हमने टॉयलेट दे रखा है, इस बेडरूम से भी और इस बेडरूम से भी। ये हमारा गेट लगा हुआ है, ये गेट लगा हुआ है। ये शावर है, ये सीट है, ये वॉश बेसिन है हमारा। और ये बेडरूम है हमारा, एक 11x11 का है। और ये टीवी लगा हुआ है, ये बेड डला हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक करें एंड फॉलो करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, ताकि आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।